रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दिए, स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास में हम पावर बीआई पे अगले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और पावर बीआई पे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे पावर बीआई की कैलकुलेशन। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको विजुलाइजेशन के बारे में एक डैशबोर्ड बना के बताया था, आपने उसको यूज भी किया। अब बात आती है उसकी कैलकुलेशन की, क्यों? जैसे आपने देखा तो उसमें कई सारे फॉर्मूले वगैरह भी लगाए थे हमने, तो फॉर्मूले क्या है पहले उस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब फॉर्मूले को हम पढ़ लेंगे तो फिर हम अपनी जो कैलकुलेशन वगैरह है उसको आसानी से कर सकते हैं, राइट सर? यस सर। चलिए तो ये आपका डेटा हमने ऐड कर लिया, हम चलते हैं इसमें। तो कैलकुलेशन क्या हो सकती है? तो इसमें मान लीजिए डेटा है, इस डेटा में अगर आप नया फील्ड को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कई तरह की होती है, जो आपको याद होगा मैंने लिंक लिखा था। तो आज हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। जी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपके लॉग काउंट है और ड्यूरेशन है, अब मुझे इस पीस का अमाउंट निकालना है, मतलब कि ये हमारा 300 पर आवर के हिसाब से सिंगल लॉगिंग का होता है, तो टू लॉगिंग 14 आवर है, तो मतलब 14 मल्टीप्लाई बाई 600 होगा, समझे? नहीं समझे, मतलब नहीं। कि एक ड्यूरेशन आवर में है तो एक घंटा 300 रुपीज एक सिंगल लॉगिंग का होता है, तो दो लोगों ने 14 घंटे की क्लास ली है तो 300 रुपए के हिसाब से दो लोगों का चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये अमाउंट यहाँ मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं मॉडलिंग में और एक नया कॉलम को ऐड करते हैं, और कॉलम ऐड करने के बाद इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे अपना हेडिंग, जो आप हेडिंग कॉलम के जगह पे जो हेडिंग चाहते हैं वो दे दीजिए, इससे मैंने यहाँ पे कर दिया अमाउंट, और यहाँ पे अमाउंट में हमारा हो जाएगा ड्यूरेशन ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय लॉग काउंट 300। हमने इसको एंटर प्रेस किया, आ गया सर? यस सर। अब मुझे इस पे 18% का जीएसटी भी निकालना है। कैसे निकलेगा 18% की जीएसटी? तो यहां हम न्यू कॉलम में ऐड करते हैं और यहां हम जीएसटी देते हैं, जीएसटी, और जीएसटी में हम यहां पे देते हैं कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%। अब यहां क्वेश्चन आता है कि परसेंट का सिंबल लेगा, नहीं लेगा, तो क्या करें? तो यहां पे आपको लिखना होगा 0.18, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आएगी कि हर बार हम ऐसा दे पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज को मान लीजिए कि आपको 83% 3487 ऐसे कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना। उस केस में आप जैसे कि मुझे 18% चाहिए तो 18/100, लेकिन ध्यान रखिएगा आप बोर्ड मास मेथड को फॉलो कीजिएगा, मतलब कि हम सेपरेट कैलकुलेशन के लिए ट्राई कर दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अनिल जी आपको भी बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर ग्रोथ निकालना है तो मैं एक्सेल करके देख रहा हूँ, सेम यहाँ पे हो जाएगा Q1 और Q2 अगर 50 है और यहाँ पे 60 है, तो ग्रोथ के लिए मतलब कि ग्रोथ रेट निकालने के लिए हमें लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट करना होता है, राइट? अब बोर्ड मास मेथड कैलकुलेशन का सीक्वेंस कहता है कि सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा देन माइनस करूंगा, तो रिजल्ट आपका यहाँ गलत हो गया, हो गया गलत। तो इसीलिए जब भी हम
इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस को पहले परफॉर्म करवाना है, तो माइनस को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब मेरा परसेंटेज आ गया, तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा जीएसटी आ गया, तो मैथमेटिकल कितने तरह के होते हैं ऑपरेटर, तो आपका प्लस है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और यहाँ आपका डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड, एक आता है आपका पावर। पावर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है टोटल अमाउंट निकालने के लिए, तो मैं न्यू कॉलम पे आऊंगा और यहां हम टोटल दे देंगे टोटल, और यहां पे हमने कर दिया अमाउंट प्लस जीएसटी। अब आप सोचेंगे कि कल की क्लास में हमने तो डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेशन कर लिया था, वो कैलकुलेशन किया था, समझे? तो वो कैलकुलेशन एकता जी और मनीष जी ये था कि जैसे कि अब मान लीजिए कि ये जो कैलकुलेशन वन बाय वन एक एक रो के हिसाब से कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे अगर टोटल चाहिए, मुझे ये दिखना है कि टोटल सेल्स कितनी है, हमें देखना है टोटल सेल्स कितनी है। तो टोटल सेल्स में हम यहाँ पे इसको रख देंगे, तो मैं टोटल सेल्स मान लीजिए मिल जाएगा, मैं करूँगा तो ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये अब इसका थोड़ा सा दिक्कत होगा कि थोड़ा सा फॉर्मेट पे नहीं है, थोड़ा सा तो इसको हम कार्ड पे डालना है मुझे, या फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे और कुछ कैलकुलेशन करनी, मतलब कि मुझे यहाँ पे निकालना है पर आवर सेल टोटल। मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसने की क्या क्या किया है, हमें देखना है कि मुझे कितना घंटा पढ़ाना पड़ा और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो पर घंटे कितना चार्ज हुआ, तो मतलब सिंपल सम ऑफ द टोटल डिवाइड बाई काउंट ऑफ द टोटल करना है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कॉलम ऐड करें और कॉलम ऐड करके यहाँ पे पर आवर डिफाइन करें पर आवर। तो यहाँ पे जैसे कि हुआ आपका, यहाँ पे मैं देखता हूँ सम, नहीं, सम नहीं करना होगा, यहाँ पे सम नहीं होगा, क्योंकि सम समझ टोटल निकालता है, यहाँ तो वन बाई वन करना है ना, मैं तो इसमें फील्ड का नाम देना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आवर, नहीं सॉरी टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, कंफ्यूज है थोड़ा सा, आवर्स। आवर्स, एक मिनट, ये आवर्स कौन वो लॉक काउंट नहीं, ड्यूरेशन है ना। है, ड्यूरेशन, और हमने इसको कर दिया, ये हमारा आ गया। तो ये आ गया हमारा पर आवर का चार्ज, सबका सेम ही है, हो सकता है कुछ, सबका सेम कैसे आ सकता है? आपका दो दो सर लॉक काउंट दो दो है ही ना, दो दो ही है ना, तो सबका सेम ही आएगा पर आवर का पर आवर तो लॉक काउंट। है, नहीं सर लॉक काउंट तो सेम है ना, पर आवर आप निकाल रहे हो वो तो डिवाइड करके लॉक काउंट, अगर इसको एक को तीन कर दीजिए किसी को, तो यहाँ अभी देखिए आप पे अपना चेंज हो यहाँ जाएगा। चेंज थोड़ी हो सकता है, हाँ मतलब वही है, आपने दो दो लिया होगा ना सारे लॉक काउंट, सारे जितने भी एंट्री वो हैं वो दो हैं, इस वजह से 7080 ही आएगा। अगर डिवाइड, ये तीन या चार या पांच होता, ये तो आप पर आवर निकाला है ना सर कॉस्ट, हाँ तो पर आवर तो आपको विद जीएसटी 600 मल्टीप्लाई बाय 18% इतना ही आएगा पर आवर का आपका कॉस्ट। 300 प्लस 300 दो लोगों का 600 हुआ, और प्लस जीएसटी 18% वो लगा सही के सही 760 सही। रुपये और। तो जैसे ये कॉलम हमने यहाँ पे ऐड कर लिया ना, अब मुझे इसके लिए कॉलम ऐड नहीं करना है सर, मुझे एक कॉलम ऐड नहीं करना है, नहीं चाहते कॉलम ऐड करना, क्यों कि कॉलम ऐड होने के बाद और भी दिक्कत हो सकती है, तो सो मैं कॉलम ऐड, मुझे जस्ट यहाँ पे टोटल चाहिए, तो 7800 लिखा हुआ चाहिए, तो हम इसके लिए मेजर्स में कैलकुलेट करता है।
एक मुझे एक टोटल अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए मेजर्स में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेजर की कैलकुलेशन इसलिए होती है, यहाँ पे सिंपल। अब यहाँ पे मैं फिल नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसे समराइज करना है, तो मुझे सम देना होगा। सम में हमने बोला अमाउंट, नहीं अमाउंट इन टोटल है। हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने यहीं पे डिवाइड बाई अगेन सम, और यहां पे हमने बोल दिया ड्यूरेशन, यहां पे निकल गया। अब इसको मुझे जहां यूज करना है, मुझे अगर इस पे रखना है, मतलब कि एक कार्ड पे रखना है, तो मैं इसको कार्ड पे रख दूंगा। तो इसमें कोई और कैलकुलेशन नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए मुझे पर आवर चाहिए, तो पर आवर भी मैं इस तरह से रख सकता हूँ, रखना चाहे कार्ड पर रखें, या फिर आप इसको इसमें इसमें गर्ल चार्ट में डालें तो गर्ल चार्ट में भी इसको डाल सकते हैं। बट यहाँ दिख रहा है आपको पर आवर में दिक्कत हो रही है, ये 7472 कर रहा है यहाँ पे, बट ये 1.0 के आ रहा है पर आवर। ये टोटल पे किया है सर इसने, वहां पे पर लाइन था, हाँ पर लाइन था, यहाँ पे टोटल पे किया है। टोटल का पूरा पूरा सम किया होगा इसका अमाउंट का, हाँ फिर पूरा सम किया होगा आवर्स का, और उसको डिवाइड किया होगा यहाँ पे, जी हाँ। तो इसलिए वो डिफर कर रहा है थोड़ा वहां से। इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते समय बोर्ड मास का मेथड का फॉलो जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, कैलकुलेशन आपकी उसी पे होगी जिसकी कैटेगरी यहाँ होल नंबर नंबर डेसिमल होगा। अगर यहाँ पे कैटेगरी अगर टेक्स्ट हुआ तो नहीं होगा, ठीक है सर। तो कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना आप लोग, आप एकता जी मनी जी, जी सर। तो अब जो है हम अगली जो बात आती है वह लॉजिकल की आती है, लेकिन लॉजिकल से पहले मुझे तकरीबन 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एग्जाम्पल बना के आप भेजिए। आईडी मैंने दे दिया है, उस आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। ओके सर। और मनीष जी आप कुछ दिखाना चाह रहे थे तो दिखा सकते हैं। हाँ मैं दिखाता रहा, मैं दिखाता हूँ। सर जब स्क्रीन विजिबल हो बता दीजिएगा। हाँ विजिबल हो गया सर। बेसिकली ये मैंने वो बनाया जो भी आपने आपके पिछले क्लासेस के बेसिस पे शेयर पॉइंट फोल्डर का यूज करके ये मैंने सारा किया है, बनाया है। तो मैं ड्रॉप डाउन पूछ रहा था, वो भी मुझे वो उससे हो गया था, आपने बता दिया था उससे, क्या नाम है, क्या है ये, स्लाइसर से हो सकता है। तो स्लाइसर में फिर वो ऑप्शन ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया ड्रॉप डाउन का। पहले तो वो पूरी टेबल बन के आ रही थी। तो अब यहाँ पे अब मेरे लिए क्या है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पूरे सप्लायर्स की परफॉर्मेंस है, ये मेरे सारे सप्लायर्स हैं नोकिया में, जितने भी सप्लायर्स हम यूज करते हैं, परचेजिंग से परचेजिंग होती है टोटल। फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव रिपेयर सेंटर का लेता हूँ, ये मेरे को उसकी टोटल क्वांटिटीज उसने पूरे 2020 में कितने रिपेयर की। तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल और लोकल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो मैंने प्रॉपर यहाँ पे डाल दिया, लोकल ग्लोबल डिफाइन किया। जैसे कि मैं थोड़ा जिसमें दोनों है मैं वो पिक करता हूँ एक बार, जैसे जाबेल है, ये मेरा दोनों करता है। अब यहाँ देखोगे ग्लोबल में भी आपका नंबर है, लोकल में भी है। मैंने ये मेट नॉट मेट, मतलब ये जो हमारा उससे एग्रीमेंट है कि इतने दिन में तेरे को 10 दिन में रिपेयर करके देना है फॉर एग्जांपल, तो 64% यूनिट्स वो है मेरे को 10 दिन में रिपेयर करके दे रहा है, और 35% ग्लोबल की जो कि उस पर टैट क्रॉस हो रही है। तो मतलब मेरे लिए एक अलार्म है कि 35% बहुत बड़ा नंबर होता है, ये कहीं 10% के अंदर होना चाहिए, मेरा 90% का टारगेट है, तो मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे दिख गया। सिमिलरली लोकल में वो दिखाई दे रहा है, ये मुझे टोटल क्वांटिटीज दिखा रहा है कि इसने 2020 में फ्रॉम 1 जनवरी टिल नाउ कितनी क्वांटिटीज रिपेयर करके दी। जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्लोबल के ऐसे आ रही है, अपने आप कार्ड्स वगैरह ये जो कार्ड में डाला है चेंज कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। प्लस यहाँ पे मेरा स्क्रैप वर्सेस रिपेयर, इसका स्क्रैप रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 यूनिट रिपेयर के लिए भेजता हूँ, तो कितना वो स्क्रैप कर रहा है और कितना मेरे को रिपेयर करके वापस भेज रहा है गुड यूनिट, ठीक है। तो वो मैंने वो निकाला हुआ है। बात तो आपने सही किया है, बट आपने जगह की यूटिलाइज नहीं किया है सर। हाँ वो चीज थोड़ा मेरे को फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा वो ना एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। आपने यहाँ पे आइटम कोड को नीचे क्यों डाला है, आइटम कोड। अच्छा अभी इसमें फॉर एग्जाम्पल जबेल है, मैंने एक और यहाँ आइटम कोड वाइज फिल्टर दिया है, ये मेरी वीक ऑन वीक उसकी आउटपुट है,
टोटल तो ये तो ये कोड हमारा। आपका तो पूरे चार्ट पे यूज कर रहा है ना। हाँ ये पूरे चार्ट पे यूज अब कर रहा आप है, मुझे यहाँ फर्क। यहाँ पे क्यों दिया, आप इस जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, ऊपर में आइए जहाँ आपका ये स्क्रैप बना है उसके ऊपर डाल दीजिए। नहीं तो मेरे को आइटम कोड तो यहाँ इस टेबल पे ही देखना है, मेरा इस टेबल पे ही आएगा परफॉर्मेंस, नहीं, क्योंकि मेरे को मैं एक कोड। आइटम कोड को यहाँ मतलब कि इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेगा या ऊपर ड्रॉप डाउन करेगा, दोनों तो सभी को होना है। यहाँ पे डालने का पर्पस नहीं समझे कि सिर्फ मेरा नीचे वाला चार्ट ही, अगर अगर हम मैथ करके किसी को दिखाते हैं तो वो समझेगा कि सिर्फ इससे सिर्फ नीचे वाला ही इफेक्टेड हो रहा है, ओके समझते ओके हैं। ऐसे हाँ, नहीं विजुलाइजेशन में ये बेसिकली समझा इस जाता है। ठीक है, नाउ नाउ अंडरस्टूड। तो अब ये मेरे फॉर एग्जांपल, अब मैं जब यहाँ फिल्टर लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये इसने कितने आइटम कोड्स रिपेयर किए मेरे, वो सारे यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली हाँ उतने ही फिल्टर आउट होके आ जा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ वो डिपेंडेंट तो हाँ डिपेंडेंट है ये। तो मैं अगर यहाँ पे 4 7, मैं अगर कोई अगर कोड 3095 है फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आइटम का परफॉर्मेंस देखनी है कि क्या किया इसने। फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरे 3 DEC, 3 मेरे वेयरहाउसेस से मैंने इसको यूनिट भेजा, चाइना से GDC और GDC इंडिया। तो उसका आउटपुट ये वीक ऑन वीक ये रहा। ठीक है। स्क्रैप रेट इसका 25% है इस तो आइटम डेटा में का, आपने वीक डिफाइन कर रखा है, बिल्कुल डेटा में मैंने बैकग्राउंड में वीक ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। कैलकुलेट किया है या फिर डेटा में था पहले से। हाँ नहीं, मैं पीछे से ही लेके आया हूँ मेरे टूल में, मैंने जहां से मैं रॉ फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ ना, तो हाँ बेसिकली हम बिजनेस ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं टूल होगा, आपने सुना होगा हाँ सुन हाँ। तो आगे वॉप्सी क्लास में बोलते जब हैं मैं उसको। डेट कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा कि, तो चलो आपके टूल्स में था कि आपने वीकेंड का एक अलग कॉलम ऐड कर दिया, कौन सा वीकेंड है। देखिए अगर किसी डेटा में वीकेंड हाँ कॉलम ऐड नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वीकेंड्स निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे एक दो दो चीजें आपसे पूछनी है सर। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वीक ये ना स्कैटर्ड आ रहा है, आप देख रहे हो 1 के बाद 10 11 12 ऐसे आ रहा है, मेरे को ये week 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है, तो क्या मैं इसमें स्लाइसर में या जो भी ये टेबल दी है इसमें मूवमेंट चेंजेस कर सकता हूँ ऊपर कुछ? राइट क्लिक कीजिए, 1 मिनट राइट क्लिक कीजिए, तो उस पे वीक पे वीक पे वीक पे वीक पे किसी एक वीक पे, किसी एक वीक पे के ना राइट क्लिक हो नहीं रहा, हो गया। इसमें शो एज ए टेबल इंक्लूड एक्सक्लूड कॉपी, डबल क्लिक किया आपने, क्लिक कर दिया है क्या। राइट क्लिक मारा है, राइट क्लिक पे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, इसमें शॉर्टिंग का ऑप्शन नहीं है। हाँ नहीं सॉर्टिंग तो कर रहा है ये, बट इसमें ये टेक्स्ट है, इस वजह से VK1, तो 1 के बाद 1 10 11 वो सॉर्टिंग ये कर रहा है अपने हिसाब से। आप अगर इसको देखोगे उठा कर मूव पहले, नहीं कर हाँ सकते हैं, मूव कर दीजिए डाटा, नहीं मूव कैसे होगा, वही मूव ही नहीं हो रहा था ना, उस पर मैं कोशिश क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए पर क्लिक कीजिए उस पर कॉलम पे। पकड़ के ड्रैग करना, हाँ ट्रैक हो नहीं रहा। इसका देखना पड़ेगा। हाँ सर यही एक क्वेरी ये थी। दूसरा मेरे ख्याल से आप आगे सिखाएंगे। बेसिकली क्या है कि मेरे को यहाँ पे मेरा एक कॉलम है स्वैप स्टेटस करके, उसमें मेरे 3 इनपुट हैं, रिपेयर स्क्रैप और क्या नाम है वो। तो मेरे को कैलकुलेशन सिर्फ एक न्यू मेजर क्रिएट करना है, जो आपने बताया ना इस वाली स्क्रीन पे एक न्यू मेजर सिलेक्ट करना है, जिसमें कि मेरे को सिर्फ जैसे काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम एक्सेल में, जस्ट हाँ लाइक कि अगर स्क्रैप्ड मेरे सिर्फ स्क्रैप्ड मेरे को काउंट करके दे। ओके। अब से स्क्रैप काउंट करना चाहते हैं, कितने बच्चे जाइए वापस जाइए, इसमें टेबल में जाइए, डेटा टेबल में यस दिखाइए एक बार। ये रहा मेरा स्टेटस स्वैप्ड स्टेटस, जब मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ इसमें मेरे 3 आ रहे हैं, रिपेयर्ड स्क्रैप्ड और स्वैप्ड। ओके चलिए मेरे स्क्रीन पर आइए बताता हूँ आपको। स्टॉप स्क्रीन कीजिए, मेरे मेन स्क्रीन पे आ गया, अच्छा स्क्रीन पर आइए, मेरी स्क्रीन पर। ओके तो आप चाहते हैं कि एक कॉलम ऐड करना, एक सॉरी कॉलम नहीं, एक मेजर से ऐड करना है, और उसमें आप चाहते हैं कौन पे, जैसे मान लीजिए मैं इसमें से मिसेस पूजा को काउंट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे देते हैं काउंट ए एक्स करके फॉर्मूला दिख रहा है आपको, काउंट हाँ काउंट एक्स। विच रिजल्ट एबिलिटी एंड एक्सप्रेशन इच रो टेबल, काउंट ए एक्स
इसमें आपको टेबल देना है कि किस टेबल में, नहीं, ये टेबल पूरा टेबल वो काउंट कर रहा लास्ट में आता है उस टेबल का है। नाम शीट रहता है शीट वन, तो एक्सप्रेशन पूरे टेबल में काउंट करेगा ना, मेरे को उस देख, कॉलम में करना है। नहीं, कॉलम में होगा। इसमें हमने नेम, सीट नेम इक्वल टू पूजा, ठीक है, यहां पे आपका नेम में पूजा 400 समथिंग है। अच्छा इसलिए सिर्फ पूजा अकाउंट किया है। वेरीफाई करना चाह रहे हो ये आपका टोटल काउंट कितना है? नहीं, तो 454 है ना टोटल का रोज, इसे गलत दिया ना। 474 दिया है। टोटल सीट में आपका 454 रो ही है। एक मिनट, मैं इस फाइल को ओपन ही कर लेता हूँ, डैशबोर्ड वाली फाइल को। एक समझ वेरीफाई कर लेते हैं। डैशबोर्ड डैशबोर्ड हम 455 है, इसमें पूजा जो है थर्टी एट है। ऊपर वाला काउंट ए है, काउंट एक्स, ये रो में कर रहा है, इस रो ऑफ टेबल। अच्छा काउंट रो, काउंट ब्लैंक, काउंट एक्स, ये तो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। काउंट का ही है, काउंट एट नंबर काउंट, एक्स में इसने डेटा दे दिया तो डेटा करता है। लेकिन एज पर इसका डेफिनेशन जो है, कहीं मैं देख रहा था कुछ कैलकुलेट का यूज करके कर रहे थे ये, तो तो मैंने कैलकुलेट, कहीं। कैलकुलेट तो एक अलग है ही, वो तो है ही, लेकिन ये तो आपका इसमें आ जाएगा, डेक्स फॉर्मूला में आता है। ये आपको आगे क्लास में समझाऊंगा इसको, इसका पूरा पैटर्न समझता हो, समझना होता है। पर काउंट, काउंट एक्स यूज होता है। काउंट या आई एफ एस करके होता है इसमें। काउंट इसमें जैसे एक कुछ फॉर्मूले तो लिस्टेड हैं, कुछ इसके डैक्स फॉर्मूले हैं जो स्क्रिप्टिंग, डैक्स स्क्रिप्टिंग में यूज की जाती है, तो उसके जरिए तो वो हो ही सकता है, उसके जरिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके जरिए तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं कुछ और देख रहा था कि सिंपल हो, क्योंकि तो मैं आपको यह पता ही है कि मैं हमेशा सिंपल चीज पहले करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, तो पहले सिंपल करता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको एक बार देख के आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ठीक है सर। तो मुझे हर एंगल से उस रिपोर्ट को जांचना होगा ना कि हाँ सही है कि नहीं है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, होता है एक फॉर्मूला होता है कि काउंट एक्स भी यूज करता है, लेकिन क्या कर रहा है कि क्योंकि एक एक्सप्रेशन जो दिया जा रहा है, एक्सप्रेशन को मैच नहीं कर रहा, सिर्फ यही कर रहा है, काउंट ही कर रहा है। सर ये डैक्स फॉर्मूला वाले में जो आपने भेजा है उसमें दिखा रहा है कि काउंट एक्स के बाद फिल्टर लगाना है, उसके बाद वैल्यू डालनी ओके है। ओके, मतलब कि ये है यहाँ पे ऐसे है ना, एक में हो गया, हो गया। बस यहाँ पे फिल्टर का फॉर्मूला आएगा। यस सर। फिल्टर फॉर्मूले में हम टेबल देंगे सीट वन, हाँ सीट वन,
इसमें देंगे एक्सप्रेशन कि भाई नेम जो है नेम इक्वल टू क्रैप जो भी आपका या पूजा सॉरी हाँ मैं अपने अब फिर इसको एंटर करना ये भी एक्सप्रेशन भी कॉमा हटाना पड़ेगा ना कॉमा एक्स्ट्रा है नहीं 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 इसका है ना नहीं नहीं पहले वाले का है वो बताना पड़ेगा सर Yes. आ गया सो काउंट एक्स फिर फिल्टर देखिए सिंपल सी बात समझिए सिंपल सी बात फिल्टर फॉर्मूला क्या करता है फिल्टर फॉर्मूला की यूज टेबल पे होता है ये आपके एक्सेल में भी होता है जैसे मान लीजिए कि हमें पूजा का सिर्फ अलग से टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला यूज करूंगा फिल्टर में मैं डालूंगा कि सीट वन में क्या होना चाहिए तो मैंने बोल दिया कि नेम इक्वल टू अब जो मुझे डेटा निकाल के देगा फिल्टर फॉर्मूला वो सिर्फ पूजा का डेटा निकाल के देगा यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो अगर मैं पूजा सेलेक्ट करूँ यहाँ पे सिर्फ पूजा का डेटा है फिर काउंट ए जरूरी नहीं काउंट एक्स लगाया डायरेक्ट डायरेक्ट काउंट ए भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसमें समझ गए ठीक है सर अब इसमें मैं काउंट ए भी कर दूंगा तो चलेगा इसमें चलिए ओके मिलते हैं सेम टाइम ओके सर ओके सर